हेलो स्टूडेंट्स, बीए पाठ्यक्रम पेपर वन की जो आज हमारी पहली क्लास होगी उसमें आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर निधि यादव, थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट का जो हमारा पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के इतिहास वाला जो पेपर है उसकी आज हम शुरुआत करेंगे। और उसकी शुरुआत में सबसे सर्वप्रथम आज हम देखेंगे कि प्राचीन यूनानी जो राजनीतिक चिंतन है उसकी क्या विशेषता है। ये वाला जो हमारा फर्स्ट पेपर है, इस संपूर्ण पेपर पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों पर है। यूनिट वन में जो टॉपिक है वो प्लेटो और अरस्तु पर है। लेकिन प्लेटो और अरस्तु को जानने से पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे, प्लेटो और अरस्तु से पहले का जो यूनानी राजनीतिक चिंतन क्या रहा है और वो उन परिस्थितियाँ थी जिनमें प्लेटो का आविर्भाव हुआ। यदि हमें पश्चिमी साहित्य संस्कृति कला को जानना है तो उसको जानने के लिए हमें सबसे ज़्यादा प्राचीन यूनानी चिंतन की ओर ध्यान देना होगा। प्राचीन यूनान जो था वो छोटे छोटे नगर राज्यों का समूह था और ये जो नगर राज्य थे ये बहुत पास पास छोटे छोटे से और ये सब लोग आपस में जुड़े हुए भी थे। इन नगर राज्यों का जो जीवन एक ही सामाजिक व्यवस्था से जन्मा था, इसलिए इनकी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं बहुत कुछ आपस में मिलती जुलती थी, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इनमें कुछ भिन्न भिन्नता भी पाई जाती है। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में वैसे तो बहुत अधिक नगर राज्य थे, लेकिन दो सबसे महत्वपूर्ण नगर राज्य थे जो हमारे इस पेपर से बहुत ज़्यादा संबंधित रहेंगे, वह हैं स्पार्टा और एथेंस। ये दो जो प्रमुख नगर राज्य थे, स्पार्टा और एथेंस, इनमें परस्पर प्रतिद्वंदिता थी। जहाँ स्पार्टा के जो लोग थे उनका सामाजिक जीवन बहुत कठोर अनुशासन में बंधा हुआ था और यहाँ पे सैनिक मूल्यों की बहुत ज़्यादा प्रधानता थी। यद्यपि राजनीतिक चिंतन में इनका कोई वैसे तो प्रत्यक्ष योगदान दिखाई नहीं देता है और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी और ये स्पार्टा जो राज्य था ये मूलतः नगर राज्य जो था मैदानी इलाके में बसा हुआ था। लेकिन इसके विपरीत जो एथेंस और स्पार्टा का जो हम के बारे में जो पढ़ते समझते हैं वो इसलिए क्योंकि वो एथेंस का विरोधी नगर राज्य था या दुश्मन नगर राज्य था। तो दूसरा जो एथेंस है ये समुद्र किनारे बसा हुआ था और इसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः व्यापार पर आधारित थी। और जो एथेंस नगर राज्य था यहाँ की जो आबादी थी उसमें नागरिकों के साथ साथ कुछ दास और विदेशी लोग भी यहाँ पे बसते थे और इनके यहाँ पे कोई भी अधिकार इनको प्राप्त नहीं थे। एथेंस में डेमोक्रेसी लोकतंत्र अपने प्रचलित रूप में था, लेकिन जो यहाँ के राजनीतिक अधिकार जो थे, पॉलिटिकल राइट्स जो थे, वो यहाँ के सिर्फ मात्र नागरिकों को ही प्राप्त थे, जिन्हें वो फ्री मैंस भी कहते थे, मतलब दास जो स्लेव्स थे या जो रेजिडेंट एलियंस थे, विदेशी थे, उनके कोई भी राजनीतिक अधिकार यहाँ पे नहीं थे। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में देखें तो बिल्कुल स्वार्थी तत्वों का बोला वाला था और यहाँ के लोगों में अनुशासन का नितांत अभाव था, जो कि स्पार्टा से बिल्कुल अपोजिट स्थिति थी। यहाँ के दो प्रमुख विचारक जिनकी हम बात करते हैं, ऐसा कहते हैं हम, जिन पे यूनानी चिंतन, राजनीतिक चिंतन की जो मेन आधार भूमि जिनके ऊपर है, सुकरात और प्लेटो जैसे मनीषी का जन्म एथेंस में ही हुआ था। यही वो विचारक थे जिन्होंने यूनानी थे राजनीति की समस्याओं का चिंतन करा और राज्य के उद्धार का रास्ता भी दिखाया। अब आगे हम ये जानने का आज देखेंगे कि यूनानी जो चिंतन है, आज जैसे अभी हमने दो नगर राज्यों पर चर्चा करी, एथेंस और स्पार्टा, दोनों के बारे में जाना, हम ये देखते हैं कि जो यूनानी राजनीतिक चिंतन है उनके चिंतन के मुख्य विषय क्या थे। सबसे प्रमुख बात जो यूनानी लोगों के मुख्य जो उनकी रुचि जो दिखाई देती है वो फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र में थी। वो ये जानना चाहते थे कि सृष्टि का को नियंत्रित करने वाले नियम कौन से हैं। मतलब हमेशा यूनानी लोग सृष्टि की सृजनात्मकता की को और ये मानते थे कि जो तर्क बुद्धि की रचना मानते थे और वो जानने का हमेशा वो जानने के लिए आतुर रहते थे कि सृष्टि को नियंत्रित करने वाले नियम कौन से हैं।
दूसरी बात, प्राचीन यूनानी ये मानते थे कि जो राज्य है वह जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आता है और सद जीवन की प्राप्ति तक बना रहता है। इसलिए हमने देखा कि जो अरस्तु हैं वो भी यही कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। इसका मतलब कुल मिलाकर राज्य उनके जीवन यूनानी राजनीतिक चिंतन का एक अभिन्न अंग माना जाता था। और इसलिए ये भी इससे जुड़ी एक बात और सामने आती है कि अगर राज्य उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो देखिए राज्य की जो गतिविधियाँ होंगी उनमें जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है या जो भी सक्रिय सहभागिता है नागरिकों से आशा की जाती है कि उसमें अपनी सक्रियता से अपनी भागीदारी भी सहभागिता भी प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ एक बात है कि जो तात्कालिक यूनान जो है जिसको कह रहे हैं जो छोटे छोटे नगर राज्य थे, अब छोटे छोटे संख्या में होने के कारण ये संभव भी था कि वहाँ के लोग डायरेक्टली एक्टिव पार्टिसिपेशन अपना दे। क्यों? क्योंकि जो सारे नागरिक होते थे वो एक दूसरे से परिचित होते थे और समय समय पर एक जगह इकट्ठे होकर अपने नगर के बारे में कोई सर्वमान्य निर्णय ले सकते थे। इसलिए यूनान ने एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के का जो विचार है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो विचार है वो यूनानी नगर राज्यों से ही अस्तित्व में आता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे तथ्य जिनके बारे के अंदर कानून के बारे में, प्राकृतिक अधिकारों के बारे में, ऐसे बहुत से अनेक ऐसे बातें थी जिनके बारे में तर्क बुद्धि का जैसे हम चर्चा कर चुके हैं, राज्य के कार्यों के बारे में, इन सब के बारे में यूनानी राजनीतिक चिंतन के प्रमुख फेवरेट विषय रहे हैं। प्राचीन यूनान के राज्य चिंतन में जो हम विचारकों का जिनका अध्ययन जो हमारे कोर्स के अंदर आता है वो प्लेटो से प्रारंभ होता है, लेकिन प्लेटो को जानने से पहले उनके गुरु सुकरात के बारे में जानना ठीक रहेगा। अगली कक्षा में हम सुकरात के बारे में अपने अध्ययन को जान करके अपने अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।